गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। वंस अगेन विद द न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म यूरोप। तो नेशनलिज्म यूरोप का न्यू टॉपिक के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को कैसे विजुअलाइज करें और देखा जाए एक तरह से, वो टॉपिक है। उसमें पहला एक तरह से देखिए, आपका क्वेश्चन है हाउ कैन अ नेशन बी गिवन अ फेस। किसी भी कंट्री, किसी भी देश को, किसी भी टेरिटरी को एक फेस के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नॉर्मली किसी भी किंग या रूलर को उसके पोर्ट्रेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट वह रूलर जिस एरिया में रूल करता है उस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको कैसे एक फेस दिया जा सकता है। तो ये फेस दिए जाते हैं 18th और 19th सेंचुरी के आसपास, इन बिटवीन द 18th एंड 19th सेंचुरी। आर्टिस्ट गेव पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेशन। जो आर्टिस्ट उस समय होते थे, जो पिक्चर बनाया करते थे, फिगर बनाया करते थे, उन्होंने नेशन को एक स्पेसिफिक फेस देने की कोशिश किया, ठीक है। और उस नेशन को रिप्रेजेंट किया लाइक ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में नेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया, गिविंग द फिगर और गिविंग द फेस, मेकिंग द फिगर, मेकिंग द स्टेचू एंड ट्राइंग टू गिव द फेस ऑफ द नेशन। वो कोशिश कर रहे थे कि उसको एक प्रकार से फेस दिया जाए, पर्सन का फेस दिया जाए। नेशन यूज टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए फीमेल फिगर। नॉर्मली देखा गया यूरोपीय में कि जितने भी कंट्रीज में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, तो कंट्रीज ने अपने देश में उस नेशन को रिप्रेजेंट किया फीमेल फिगर के रूप में, फीमेल फिगर के रूप में। जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया था, नेशनलिज्म इंडिया में देखिए फीमेल फिगर के रूप में भारत माता को रिप्रेजेंट किया गया, तो उसी तरह यूरोप में भी मोस्टली फीमेल फिगर के रूप में फेस देने की कोशिश की। फीमेल फिगर वाज चूजन टू क्रिएट अ शेप ऑफ नेशन, फीमेल फिगर को क्रिएट करके नेशन का शेप देने की कोशिश किया गया, और उसे क्या नाम दिया गया, एलोगेरी। क्या नाम दिया गया, एलोगेरी उसे नाम दिया। जबकि आप जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो आपने 9 में पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत तरह के सिंबल यूज किए गए, सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स वे यूज, जैसे कि आपने देखा ब्रोकन चेन, स्नेक बाइटिंग देयर टेल्स, फिर एक प्रकार से स्केप्चर, ये सभी सिंबल प्रोवाइड किए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूज किया गया। एंड ऑल दीज सिंबल्स वे यूज टू कनेक्ट विद द पीपल, और ये सिंबल यूज किया गया कि पीपल के लाइफ को कनेक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे उस समय जो पीपल थे दे वे प्रॉब्ली नॉट लिटरेट, सो दे कांट अंडरस्टैंड द रिटन मटेरियल, वो रिटन मटेरियल को समझ नहीं पाते, इसलिए एक सिंबल देने की कोशिश किया गया, सिंबल को इजी वे में वो पहचान सकते थे। और वह सिंबल एक तरह से उस कंट्री का प्राइड, गौरव के रूप में माना जाता है, जैसे कि हमारे देश का देख लीजिए नेशनल फ्लैग हमारा है, एक तरह से हमारे देश का गौरव के रूप में, प्राइड के रूप में है। उसी तरह ये सिंबल जो दिए गए वो भी एक तरह से प्राइड के रूप में था, गौरव के रूप में माने जाते थे। कुछ जो सिंबल सिंबल जो यूरोपियन नेशनलिज्म में यूज किए गए डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू, वो आपके सामने है। पहला है ब्रोकन चेन, आपने 9वीं में स्टडी किया था, ब्रोकन चेन सोल्व द लिबरेशन ऑफ द स्लेव्स, ये बताता है कि स्लेव जो थे यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में, उसको फ्री कर दिया गया, मुक्ति मिल गई। स्टैच्यू ऑफ वुमन जो बनाया गया वो एक सिंबल करता था लिबर्टी का, सिंबल ऑफ द लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ द वुमन बनाया गया। उसी तरह ब्राइन फोल्डन फीमेल फिगर एक बनाया गया और स्टैच्यू बनाया गया कीपिंग स्केल इन द हैंड, वो किसका रिप्रेजेंट करता था, जस्टिस का रिप्रेजेंट करता था। जो लोग रेड कैप पहनते थे, जो देवर सोइंग एट दे बिकेम फ्री फ्रॉम द स्लेवरी, वो किसी से मुक्त हो गए, स्लेवरी से मुक्त हो गए। फ्रांस में मैरी ने एक फीमेल फिगर बनाया गया, फीमेल फिगर था मैरी ने, जो पब्लिक स्क्वायर उसके स्टेचू को बनाए जाते थे, जितने भी चौक चौराहे थे उसमें बनाए जाते थे, ताकि ये लोगों में एक यूनिटी
कि भावना क्रिएट करे, सेंटिमेंट ऑफ यूनिटी क्रिएट करे, लोगों में रिमाइंड करे कि फ्रांस एक यूनाइट कंट्री है। उसी तरह जर्मनी में जर्मेन और जर्मनिया नाम से फीमेल फिगर बनाया गया और उसको एक क्राउन दिया गया, एक कैप दिया गया ओक लीव्स का, और उसको भी डिफरेंट प्लेस पे सेटल किया गया। ओक जो था वो हीरोइज्म का प्रतीक था, सिंबल ऑफ द हीरोइज्म। तो इस तरह करके डिफरेंट वे में यूरोप में सिंबल को यूज किया गया टू विजुलाइज द नेशन, टू रिप्रेजेंट द नेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल को यूज किया गया। ठीक है, ये सारे सिंबल आपको यूज किए गए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेशनलिज्म एंड द इंपीरियलिज्म। आफ्टर 1871 1871 के बाद यूरोप में इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं एक सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन क्रिएट हो गया, और वो क्रिएट होने का मेन कारण था वाल्कन रीजन। यूरोप में वाल्कन रीजन से एक बड़ा टेंशन क्रिएट होगा, एक तरह से कहिए फिर वह रेवोल्यूशन के पॉइंट पर आ गया। वाल्कन रीजन के कारण यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे। टू कंट्रोल ऑफ द वाल्कन रीजन यूरोपियन कंट्रीज वेयर फाइटिंग एमंग देमसेल्व। बाल्कन देखिए, बाल्कन रीजन के अंदर जो आने वाले कंट्रीज थे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, बोस्निया, सर्बिया, ये सभी आते थे बाल्कन के अंदर। बट ऑल दीज एरियाज इन एमिनेंट मेजॉरिटी क्रिश्चियन, इस सभी एरिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी की संख्या पॉपुलेशन ज्यादा थी। बट ऑल दीज एरियाज वेयर सब्जेक्टेड टू द टर्की एम्पायर, लेकिन सभी एरिया में जो शासन करते थे वो टर्की एम्पायर करते थे शासन। टर्की और टर्की क्या था, मुस्लिम बहुल कंट्री था, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री था। ये लोकेटेड था ब्लैक सी के अंदर अंटार्कटिका सी के बीच का एरिया है, इस एरिया में ब्लैक सी है, अंटार्कटिका सी के अंदर का एरिया है। सेंटर क्रिएट हुआ किसलिए, टर्की और यूरोपियन पावर सभी जगह मैंने बताया आपको, मोस्टली मोस्ट क्रिश्चियन रहते थे और रूल किया जाता था यहाँ पे टर्की के एम्पायर के द्वारा। ठीक है, इनहेबिटेंट क्रिश्चियन और टर्की रूल बाय मुस्लिम, और ये टर्की के सब्जेक्ट के अंदर आते थे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और जब आपको नेपोलियनिक वार हुआ, इस दौरान एक तरह से इस सभी कंट्रीज में नेशनलिज्म का भावना, नेशनलिज्म सेंटीमेंट डेवलप हुआ to become free from the control of the Turkey, to be from the free from the control of the Turkey, Turkey के control से free होने का एक necessity में develop हुआ है। और तो वहाँ पर struggle start हो गया free होने का, किसके अंदर से, Turkey के अंदर से free होने के लिए। और 19th century में Turkish Empire जब weaken हुआ तो वहाँ struggle start हो गया freedom होने। तो ये एक तरह से नेशनलिस्ट सेंटीमेंट डेवलप हुआ इंपीरियलिस्ट के अगेंस्ट में, वो टर्की में। और तब टर्की के अगेंस्ट में और टर्की के इंपीरियलिस्ट के अगेंस्ट में, रूस के अगेंस्ट में, इन सभी वाल्कन स्टेट्स में एक प्रकार से रिवोल्यूशन, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट डेवलप हुआ और इन्होंने चाहा कि अपने आप को फ्री करें। और फ्री करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज और टर्की के बीच एक फाइट स्टार्ट हुआ जो लास्ट में किस नाम से जाना गया, वर्ल्ड वार फर्स्ट के नाम से जाना गया। और यहाँ पे यूरोपियन इंपीरियलिज्म को अपोज किया गया और एक तरह से नेशनलिस्ट सेंटीमेंट डेवलप हुआ और ये सभी कंट्रीज वर्ल्ड वार में एंगेज हो गए। ओके, थैंक यू। चैप्टर इज एंडेड।